हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली जिसमें मैंने बताया था सैमसंग A52s में एक नया अपडेट आया, या फिर बोल सकते हैं जून का जो नया अपडेट आया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ दोस्तों, उस अपडेट का जो रिव्यू है वो करने वाला हूँ कि उस अपडेट के बाद आपको अपने मोबाइल में कैसा फील हो रहा है। मतलब कि मुझे मेरे अपडेट होने के बाद, जैसे कि मैंने अपडेट करा अपना सैमसंग A52s जून अपडेट, उसके बाद मुझे उसमें क्या लग रहा है, क्या अच्छा हुआ है, क्या नेगेटिव हुआ है, वो आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ, रिव्यू करने वाला हूँ जो अभी प्रीवियस अपडेट आया था जून का। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पर सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे अपडेट वाले सॉफ्टवेयर अपडेट में, और वहां पर आप देखेंगे आपको ये लास्ट अपडेट हो चुका है। अगर आपने अपडेट नहीं करा तो आपको उसको अपडेट कर लेना है, और अभी मैंने अपडेट कर लिया तो मुझे यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर ये जो अपडेट आया था 223 MB का ये अपडेट आया था, जिसमें ये लिखा गया था साफ साफ द सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस इन हैपरिन इम्प्रूव। मतलब कि जो सिक्योरिटी थी पहले मई 2022 की थी, अब उसको अपडेट कर दिया गया था जून 2022 की सिक्योरिटी अपडेट कर दी गई थी, और जनरल बग्स फिक्स किए गए थे और कुछ एनहांस फीचर किए गए थे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूं दोस्तों, यहाँ पर के लोगों का कहना है कि इसमें शायद, मुझे भी किसी ने कमेंट करके बताया कि उनको बैटरी ड्रेनिंग का इशू आ रहा है और हीटिंग का इशू आ रहा है, पर मेरे को तो कोई भी इशू नहीं लगा। मैं कब से इसको चला रहा हूं, मतलब जब से मैंने अपडेट करा है और उसके बाद कंटिन्यू मैं इसको चला रहा हूं, मुझे ऐसा कोई भी इशू इसमें फेस नहीं किया है। अब मैं आपको दिखा देता हूं ऐसी कुछ भी करके, तो आप ये देखेंगे कितना इजीली यहां पर स्वैप अप हो रहा है, और अगर मैं कहीं भी हूं बहुत इजीली यहां पर यह वर्क कर रहा है। मुझे तो कोई भी इसमें इशू नहीं लगा, ना हीटिंग का, ना बैटरी ड्रेनिंग का, और कोई कह रहा है कि बैटरी चार्जिंग में भी प्रॉब्लम होती, तो ऐसा भी मुझे कुछ नहीं लगा। और आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ अपने मोबाइल की जो स्टोरेज है ऑलमोस्ट फुल पे ही है, उसके बाद भी मेरा मोबाइल यहाँ पर स्मूथली एंड फ्रीली यहाँ पर चल रहा है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर ले जाता हूँ बैटरी डिवाइस केयर में, और यहाँ ले जा रहा हूँ आपको स्टोरेज में। तो आप देख सकते हैं जो मेरे मोबाइल की स्टोरेज है 62% बढ़ी हुई है, उसके बाद भी अगर मैं अपने मोबाइल को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो बहुत ही स्मूथली यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। आप देखेंगे ये यहाँ पर बहुत ही स्मूथली यहाँ पर चल रहा है, मुझे कोई भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बहुत स्मूथली ये चल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी रनिंग में एप्स भी खुली हुई हैं, तो भी ये यहाँ पर क्विकली यहाँ पर चल रहा है। मुझे तो ऐसा कोई इशू नहीं लग रहा है कि उसमें कोई स्लो हो रहा हो या फिर पहले से कुछ डल हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक्चुअली मेरे जो इससे अपडेट था, इसी उससे पहले वाले अपडेट में मेरे साथ हो रहा था, उस टाइम मेरा मोबाइल हीट ज़्यादा हो रहा था और बैटरी ड्रेन भी हो रही थी। दोस्तों मैंने उस टाइम भी एक वीडियो बना के बताया था, जो मोबाइल हीटिंग हो रही है वो उसकी एक वजह ये भी है कि आपकी जो गर्मी है ना, गर्मी की वजह से भी हीट होता है। अगर आपके अंदर गर्मी हो रही होगी तो हो सकता है उसकी वजह से भी हीट हो रहा है। अगर उसके बाद भी अगर आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, उसके बाद भी अगर मोबाइल हीट हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो और एक चीज़ और बता दूं, मैं आप सेटिंग पर ले जा रहा हूँ, यहाँ पर बैटरी एंड डिवाइस केयर पर जा रहा हूँ और बैटरी पर ले जा रहा हूँ। आप देखेंगे यूज सिंस लास्ट चार्ज, आप देखेंगे अभी मैंने फुल चार्ज करा था उसके बाद से 23 घंटे की अब फुल चार्ज विल लास्ट अबाउट। मैंने जब फुल चार्ज करा था उसके बाद मैंने 23 घंटे इसको चला लिया, और अभी मैंने रिसेंटली इसको चार्ज करा था 11-12 बजे, तो आप देखेंगे अभी तक मेरे पास 59% की बैटरी है। उस टाइम मैंने 97% करके हटा दिया था, और अभी भी मेरे पास 60% की बैटरी 59% दिख रही होगी, और उसका वो बता रहा है कि 14 आवर्स तक ये अभी तक चल सकती है। तो अभी मेरे को बैटरी में कोई इशू नहीं लग रहा है, बैटरी अभी भी मेरी बेस्ट चल रही है, मैंने कोई पावर सेविंग मोड को यूज़ नहीं करा हुआ, और सारे मेरे फीचर्स ऑन है, मतलब लोकेशन भी ऑन है, ब्लूटूथ भी ऑन है, और मैं कंटिन्यू हॉटस्पॉट भी शेयर कर रहा था, सब चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। उसके बाद भी कोई मेरे को इशू नहीं लगा बैटरी ड्रेनिंग का, और जो बैटरी स्लो चार्जिंग का भी बोल रहे थे, वो बैटरी स्लो चार्जिंग का भी मुझे कुछ इशू नहीं लगा। मतलब ओवरऑल मुझे तो यार ये बेस्ट लगा, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जैसा नॉर्मल था वैसा का वैसा ही है, और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए इसमें। मतलब कि जो पहले ही था बेस्ट है। अगर आपने इसको अभी तक अपडेट नहीं कराया तो मेरे हिसाब से आपको इसको अपडेट कर लेना चाहिए। इस अपडेट करने से अगर आपके मोबाइल में कुछ बग्स होंगे तो ऑलमोस्ट क्लियर हो सकते हैं। इसमें मुझे कोई बग्स नहीं लगे। अगर आप बग्स की वजह से उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है, आपको उसको अपडेट कर लेना है, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी बग नहीं लगा। बाकी नॉर्मल जो भी यूज़ करता हूँ उसमें आप खुद देख सकते हैं, मैं कोई भी ऐप्स को क्लोज नहीं करता हूँ। जब भी मैं कोई ऐप्स खोल लेता हूँ तो मैं उसको ऐप्स को क्लोज ही नहीं करता हूँ, जब तक मैं मोबाइल को रिस्टार्ट नहीं करता,
दिन में एक बार जरूर मैं मोबाइल को रिस्टार्ट करता हूँ, बट एक भी ऐप को यहाँ पर इंडिविजुअल खुद क्लोज नहीं करता, और उसके बाद भी मेरा मोबाइल कोई लैगिंग नहीं, कोई हैंगिंग नहीं होता, और नॉर्मल यहाँ पर वर्क होता है। तो मेरे हिसाब से उसको आपको अपडेट करना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है उसमें वीडियो कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों यार, ये चीज तो बिल्कुल भूलना ही मत, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत, क्योंकि जैसे ही मैं ये वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।